पाकिस्तानी सरकार को कुलभूषण जाधव मामले में बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का वकील नियुक्त करने को लेकर भारत के अधिकारियों को इजाजत दे दी है। जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप पर अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आज तक पाकिस्तान इस झूठे आरोपों को सच साबित करने में लगा है, लेकिन अब उसका समय खत्म हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ हफ्ते बाद भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मृत्यु दंड को चुनौती देते हुए आईसीजे का रुख किया था। ऐसे में अब भारत के रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान सरकार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका दिए जाने का फैसला सुनाया है। दरअसल सरकार की अपील पर हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। हालांकि इस बारे में भारत की सरकार को जानकारी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की इजाज़त दी है। फिलहाल ये सुनवाई 3 सितंबर तक टाल दी गई है। साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने जाधव की मौत की सजा के खिलाफ कानूनी उपाय न देकर अपने फर्जीवाड़े को जाहिर कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है, कई बार गुजारिश करने पर भी केस से जुड़े दस्तावेज न देकर, बेरोक टोक राजनयिक पहुँच न देकर और अकेले हाई कोर्ट में अपील दाखिल करके अपना नाटक उजागर कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा है कि देश ने आईसीजे के फैसले को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इससे पहले भी इमरान खान सरकार ने जाधव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अध्यादेश पारित तो किया था। इसके बाद जाधव को पुनर्याचिका दाखिल करने की इजाज़त भी मिल गई थी, लेकिन ये भी पाकिस्तान का महज एक ढोंग ही था। पाकिस्तान ने आईसीजे के निर्देश पर भारत को दूसरी राजनयिक पहुंच देने का दावा तो किया था, लेकिन इस दौरान भारत के राजनयिकों से जाधव की मुलाकात बेरोक टोक नहीं होने दी गई थी। और अब वही कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। पाकिस्तान ने कई बार कुलभूषण जाधव केस में ढोंग किए और रुकावटें पैदा करने की कोशिशें की, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि अगर यही सब चलता रहा तो शायद जाधव को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान को झटका लगा है और जाधव मामले में न्याय पाने के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।